Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ख्याल तो मेरे मन में भी आया था हमें, लेकिन आप तो जानती है टीवी पर देखती नहीं है आजकल नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया। बस इसी मजबूरी में मैंने उसको अपने स्टोर पर नौकरी दिलवाई। दुल्हन, मुझे हैदर और गजल का साथ काम करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तुम चाहो तो उस लड़की को गुजारा करने के लिए कुछ पैसे दे दो ना, जब तक उसे दूसरी नौकरी नहीं मिलती। हमें अब गजल को नहीं जानती क्या? इतनी खुददार लड़की है कि हमसे पैसे कभी नहीं लेगी। और अचानक आपको क्या हो गया है? आप ही ने तो कहा था कि गजल का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मुझे कुछ नहीं पता, बस वो लड़की हमारे स्टोर पर काम नहीं कर सकती। अम्मी, आप तो जानती है ना कि हैदर की गलती की वजह से गजल की नौकरी छिन गई थी, और इसी गलती को सुधारने के लिए मैंने उसे हमारे स्टोर पर काम दिलवाया। गजल ने हैदर को बददुआ दी थी। जिंदगी में तुम कभी खुश ना रहो हैदर अख्तर, ये मेरी दिल से निकली हुई बददुआ है। और उस बददुआ से बचने का मुझे सिर्फ एक यही जरिया नजर आया। और ऐसा नहीं है कि गजल को ये नौकरी मैंने खैरात में दी है, वो इस नौकरी के काबिल है, और मुझे यकीन है कि उसके काम में कोई कमी नहीं होगी। तो हम किस बलबूते पर उसको नौकरी से निकालेंगे? अम्मी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है हमें ना हैदर को सब सच बता देना चाहिए। देखना, एकदम से उनका रवैया बदल जाएगा गजल की तरह, और दोनों की रोज रोज लड़ाइयां होना भी बंद हो जाएंगी। गलती से भी ये ख्याल अपने दिल में मत लाना। अगर तुमने ऐसा किया ना दुल्हन, तो तुम खुद अपनी गृहस्थी को आग लगा दोगी। अगर हैदर को पता चला कि रहमानी साहब ने उसकी जान बचाई थी, तो वो जरूर इस बात की तय तक पहुंचना चाहेगा। और क्या पता असली राज भी उसके सामने आ जाए। मारो, मारो, मारो। कौन सा असली राज? अम्मी, कुछ नहीं बेटा, तुम बस हैदर को गजल से दूर रखने का तरीका ढूंढो। जी, कौन से राज की बात कर रही हैं? उनको कोई बात जरूर खाई जा रही है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।